जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में खास रिक्वेस्ट और खास बातचीत करनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से। जिन बच्चों का लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन है, उनसे यहाँ से रिक्वेस्ट करने आया हूँ और उनसे मैं बात करने आया हूँ। दोस्तों, आपकी आने वाली बीएड की एग्ज़ाम्स में आइए हम और आप मिलकर एक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर एक साथ मिलकर तैयारी करते हैं। आपके जो भी सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इस बार हम उसकी तैयारी साथ में मिलकर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक रणनीति बनाते हैं, वन बाय वन करके एक एक यूनिट को समझेंगे कि उस यूनिट में पढ़ना क्या है, उस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, उसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखना है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो पहली वीडियो होने वाली है। इसमें हम आपके बी एड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को, इंक्लूसिव एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके जो आंसर्स के वीडियो होंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से लिंक से आप देख सकते हैं। तो पहले हम आइए ज़रा सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में। और ये सबके लिए कॉमन है, कंपलसरी है, तो आइए ज़रा फर्स्ट यूनिट के सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड का सिलेबस आपके स्क्रीन पे है। आपका दोस्तों बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे आपको पहला जो यूनिट में आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं किसे, अगर शॉर्ट में बात करें दोस्तों, समावेशी शिक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे विशिष्ट बालक मतलब कोई ऐसा बालक जिसके अंतर्गत मानसिक रूप से, आंशिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई अक्षमता हो, ठीक है, वे बालक और सामान्य बालक, इन दोनों बालकों को एक साथ शिक्षा देने वाली व्यवस्था इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, इसी से सवाल पूछा जाता है, और डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा या इसको विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, इसमें फ़र्क क्या। विशिष्ट शिक्षा का मतलब जो कि ऐसे विशिष्ट बालक हैं, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से असक्षम, थोड़े से चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए स्पेशल अलग क्लासरूम बना देना, उनको अलग पढ़ाई कराना, ये विशिष्ट एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत, सबको एक साथ पढ़ाना, समावेशी शिक्षा कहलाता है। दूसरा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992, आरटी एक्ट 2009। इसमें दो चीज़ें पढ़ना है दोस्तों, मतलब जैसे कि इन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखा गया है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992 और आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट, द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2009, इसके बारे में पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन सबके लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा, इसके बारे में पढ़ना है 2009। ये दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो पहले एक वीडियो, मतलब ऐसे एक प्लानिंग करके पढ़ाई करते हैं। पहले इस पूरे यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, मुख्य रूप से तीन इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। पहले पॉइंट में पहला, इंक्लूसिव एजुकेशन की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, महत्व, ये हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में डिफरेंस, इन दोनों का विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा क्या अंतर है, पहला पॉइंट ये आपका खत्म हो गया। इनके थोड़ा सा हिस्टोरिकल, बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इनके बारे में जानना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1992, इन दो पॉइंट, मतलब टोटल तीन पॉइंट आपको पढ़ने थे। तो पहला पॉइंट और दूसरा तीसरा, हर एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक सेपरेट वीडियो बना के। और इसी वीडियो के, अब ये वीडियो जो सिलेबस से संबंधित है, इसमें एक यूनिट को ही डिस्कस करेंगे। अब अगला जब सिलेबस का आएगा तो उसमें हम केवल दूसरा यूनिट डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे यूनिट से संबंधित जो वीडियो होंगी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, इनको तीन वीडियो में अलग अलग डिस्कस जरूर किया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, तो ठीक है। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चों की तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे अगर एक दो भी बच्चे मिल गए जो कि लखनऊ से पढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं अपना 100% दूंगा उनके लिए। जो भी नोट्स बनेगा मैं नोट्स उनको भेजूंगा, उनको हेल्प करूंगा, जो भी मुझसे हो सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि कोई अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो सीरियसली, तो प्लीज़ आप जरूर जुड़े चैनल से, पढ़ाई करें, मुझसे जो भी सहयोग हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आइए फटाफट से चलते हैं आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के पहला पॉइंट देखते हैं,
डिस्कस करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या होती है, और विशिष्ट शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में देखते हैं। ये पहले पॉइंट को आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी वीडियो पर चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उससे जरूर जुड़ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आप प्लीज़ चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दूसरों तक भेजिए, चैनल को दूसरों तक भेजिए, अपने अन्य साथियों को जोड़िए और एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।